हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस प्लंबर चैनल पे। ये जो है इसमें वॉल को अक्सर पानी नहीं भर रही है, जैसे आप देख रही है नल एंगल वॉल खुला हुआ है अपना, ये एंगल वॉल जो खुला हुआ है। अभी आप देखेंगे मैं खोलूंगा तो एक बार प्रेशर आएगा कि पानी नहीं आएगा, जैसे आप देख रहे हैं अभी ये पानी आना बंद हो गया है। तो हम इसको सही करेंगे, आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या कमी है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जब आप एंगल वाल खोल के तो बंद करके इनको खोलते हैं तो पानी का प्रेशर एक बार में आता है, उसके बाद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको खोल के, अभी इसको प्रेशर रिपेयर करेंगे। तो मैं इसको खोलता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं पीवीसी कनेक्शन पाइप में, कनेक्शन पाइप में पानी आ रहा है, सब देख रहे हैं कनेक्शन पाइप में जो है पानी आ रहा है, बॉल कॉक में नहीं जा रहा है। तो हम उसको बॉल कॉक निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने वाल खोल लिया है, जैसे आपको देख किया, इसका जो छेद है इसके अंदर खड़े पानी का मिट्टी जम गया है, तो हम क्लीन करेंगे तो फिर देखेंगे पानी आए कि नहीं आ रहा है। हम इसको हार्ड ट्यूब डाल के साफ करेंगे। तो इसमें हार्ड ट्यूब डालेंगे या फिर क्लीन करेंगे इसको, आप देखिए आप ये देख रहे हैं कि आप इसके अंदर जो है खोल के मैं दिखाता हूँ उसमें क्या हुआ था। देख रहे हैं ये तो आपको छेद दिख रहा है, इसके अंदर खारे पानी का नमक जम गया था, मिट्टी या कचरा कुछ आ गया होगा इसके अंदर, मुझे ये भी निकला है। तो पानी के साथ कचरा आ जाता है,
तो इसके अंदर घुस गया था, इसी वजह से पानी का प्रेशर इसमें नहीं आ रहा था। भाई मैंने इसको ला कर दिखाया, ये जो है तो इसको फिटिंग करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ पानी आया है। अब हम इसको फिटिंग कर लें। फिटिंग करके हम इसको अब ये देखिए इसमें पानी काफी तेज आने लगा। अब देख रहे हैं इसमें पानी अब बढ़ रहा है। ये सिंगल पीस का सीट है, ये तो मैं इसको फ्लश करता हूँ। इस तरीके से आप सिंगल पीस का वॉल को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।